हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, माय हेयर ग्रोथ जर्नी विद पिक्चर्स, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे मेरे बालों की ग्रोथ हुई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी जो फोटोज आप देख रहे हैं वो 11th या 12th की हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे बाल लगभग ब्रेस्ट के आसपास तक थे। इससे लंबे मेरे बाल कभी हुए ही नहीं, तो मैंने ये मान लिया था कि लगता है बालों की ग्रोथ होने की एक लिमिट होती है और मेरी लिमिट यहीं तक है, इससे लंबे मेरे बाल नहीं हो सकते। फिर 2020 की स्टार्टिंग में मैं अपने बालों को कटाने पार्लर गई थी और उन्होंने मुझे कटिंग का नाम बताया था और ज़्यादा मुझे पता नहीं था, तो मैंने बोला हाँ ठीक है काट दीजिए, और उन्होंने मेरे बाल लगभग कंधे तक कर दिए। एंड आई वॉज शॉक्ड, मतलब मेरा कोई इरादा नहीं था इतने छोटे बाल कराने का, पर पता नहीं कौन सी कटिंग थी कि मेरे बाल वो इतने छोटे हो गए, और मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। बस मेरे अंदर अब यही था कि मुझे अपने बाल पहले जैसे वापस लंबे चाहिए, तो मैंने कुछ होम रेमेडीज़ भी अपनाई और अपने रेगुलर ऑयल में कुछ चीज़ें मिलाकर लगाना स्टार्ट कर दिया और बहुत सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जिनका मैं पहले बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। मुझे क्या लगता था कि इतनी छोटी सी बातें इतना क्या इफ़ेक्ट डालेंगी, बट नहीं गाइस, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट डाली और लगभग आप देख सकते हैं मेरे बाल 2-3 महीने के अंदर ही अच्छी खासी ग्रो करने लगे। मैंने ये भी नोटिस किया कि मेरे बालों के बढ़ने की जो अभी की स्पीड थी वो पहले की स्पीड से तेज थी। मतलब मैं अगर अपने बालों को पहले की तरह ही ऐसे अपने हिसाब से बढ़ने देती तो 2-3 साल में ही शायद इतने लंबे बाल हो सकते थे। अभी आप देख सकते हैं कि 1 साल के अंदर ही मेरे बाल कमर के नीचे तक हो गए हैं, मतलब आई क्रॉस्ड माई हेयर ग्रोथ लिमिट। एंड झूठ नहीं बोलूँगी, 1 साल तो लगा ही है मुझे। अगर मैं ऐसा कह दूँ कि 3-4 महीने में हो गया तो आप भी जानते हैं ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा हो नहीं सकता। 1 साल तो लगेगा आपको कंधे से लेकर कमर तक जाने में। सो मैं आगे आने वाली वीडियोस में 1 by 1 बताऊंगी कि मैंने किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा और किन होम रेमेडीज़ को अपनाया कि मेरी हेयर ग्रोथ पहले से दोगुनी हो गई। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।